वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जिसके ऊपर हारमोनिका प्लेयर्स और बिगनर्स खास करके बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि कैसे यूज करें, इस टेक्निक को कैसे यूज करें, और ये है टंगिंग। टंगिंग के विषय में आज मैं बताने वाला हूँ, टंगिंग या टंग स्लैप। तो उसको यूज करना भी जरूरी है या नहीं, पहले तो हम ये भी जान लें। तो अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको टंगिंग नहीं भी आती है तब भी आप माउथ ऑर्गन बजा सकते हैं, बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन प्लेयर आप बन सकते हैं अगर आपको आती है। तो ये एक टेक्निक है, और टेक्निक डिपेंड करती है जो माउथ ऑर्गन बजाने वाला बंदा, जो हारमोनिका जो बजा रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसमें टेक्निक्स को यूज कर रहा है, ठीक है ना, अप्लाई कर रहा टेक्निक्स को। तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उन चीजों के लिए, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे उन चीजों को। टेक्निक्स एकदम सीखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप पहले माउथ ऑर्गन सिंपल सा बजाना सीख लें, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रीफ में अगर मैं कहूंगा तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है, और ये उसमें से एक टेक्निक है माउथ ऑर्गन बजाने के लिए। हम और दूसरी भी टेक्निक हम जो यूज करते हैं उसमें से एक टेक्निक है टंगिंग। टंगिंग का जो पर्पज है वो बेसिकली तीन तरह से हम टंगिंग का यूज करते हैं। तो तीन तरह से मैं बताऊंगा कि इसको मैं यूज कर सकते हैं टंगिंग को। एक तो सिंगल होल बजाने के लिए, दूसरा टंग स्लैप हम जिसको बोलते हैं रिदम देने के लिए, बैकग्राउंड में एक रिदमेटिक एक आवाज आती है वो मैं भी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आती है। फिर एक होता है डबल ऑक्टेव प्लेइंग के लिए, यानी कि तीसरा जो टंगिंग का यूज है वो है डबल ऑक्टेव बजाना। एक ऑक्टेव, जैसे एक ही हारमोनिका में जनरली तीन ऑक्टेव होते हैं, सो एक ही बार में दो ऑक्टेव में सेम लाइनों को प्ले करना है, सेम नोट्स को प्ले करना, उसको हम डबल ऑक्टेव प्लेइंग बोलते हैं। तो वो अब मैं एक एक करके इसको लेता हूं। सिंगल होल बजाना, सिंगल होल बजाने के लिए जो चैलेंज होता है बिगनर्स के लिए, पहले ये होता है कि जो ये हारमोनिका है, ये वाला अगर हारमोनिका 12 होल का है या 10 का है या 16 वाला है, उसमें क्या होता है सेम होल में ड्रॉ भी होता है, ब्लो भी किया मैंने, ड्रॉ भी किया। अब जो बिगनर है वो अगर ब्लो करता है तो एक साथ तीन होल ब्लो होते हैं, ड्रॉ करता तो भी तीन, लगभग दो तीन होल जो एक साथ ड्रॉ होते हैं, तो हमें पता नहीं लगता हम कौन सी नोट बजा रहे हैं। तो देखिए, टंगिंग का यहाँ पे इस माउथ ऑर्गन में अगर हम नहीं बजा पा रहे हैं, अगर सिंगल नोट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो टंग को हम इस तरीके से यूज करते हैं। सपोज ये पांचवे होल से, जो जितने ऐसे माउथ ऑर्गन आते हैं 12 होल वाले या 16 होल वाले 10 होल वाले, उसमें क्या पांचवे होल पे आपका सा, यानी कि सी जो बजता सारे गामा में, जो सा हमारा जो पहला स्वर बजता है, तो ये है इसके सारे गामा। तो सा जब हम बजाएंगे तो हमारी जो टंग है, टंग को अगर हम बराबर वाले होल है एक साइड में हम फूंक जो है हम सेंटर से ना निकाल के एक साइड से निकालें, या तो इधर से निकालें या इधर से निकालें, और टंग को हम एक साइड में रख लें ऐसे करके। देखें, अभी क्या हवा केवल यहां से आ रही है, हवा जब यहां से आएगी तो वही नोट बजेगी, क्योंकि इधर तो जगह ही नहीं है, हमने वैसे ब्लॉक कर लिया, इधर तो हवा जा ही नहीं रही, और जो इधर से जाने वाली हवा थी वो हमने टंग से उसको ब्लॉक कर लिया, इसलिए इसको टंग ब्लॉक भी कभी कभी कह देते हैं। टंग को एक तरफ रख के ब्लॉक करके तो हम एक ही होल पे फोकस कर सकते हैं, जबकि ये समस्या इस वाले हारमोनिका में नहीं आती, क्योंकि 24 होल का हारमोनिका सॉन्ग स्टार भी आता है और सुजुकी और भी जो आते हैं जो 24 होल वाले, उसमें ये समस्या पैदा ही नहीं होती। तो चलिए, एक इसका यूज हो गया हमारा टंग का ये। अब देखिए दूसरा उसका क्या यूज है, टंग स्लैप हम एक बोलते रिदमिक, एक उसको हम बोल सकते हैं कि रिदम देना, तो हम दोनों माउथ ऑर्गन्स में कर सकते हैं अगर हमें आती है। पहली बात तो टंग स्लैप जो हम करते हैं सब गानों में सब लाइनों पे हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर हम ट्रैक यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में, अगर हम ट्रैक यूज करते हैं तो उसका जो म्यूजिक है उसके साथ हम मैच नहीं कर पाएंगे, सो ट्रैक के साथ भी हम टंग स्लैप यूज नहीं कर पाएंगे, हार्डली कभी कर सकते हैं। तो जो इवन एक्सपर्ट्स भी अगर आप कभी देखेंगे जो बजाते हैं, जो माउथ ऑर्गन बजाते हैं, ठीक है, वो भी टंग स्लैप कब यूज करते हैं, जब बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं होता उस टाइम पे हम केवल यूज करते हैं, उससे एक अच्छा इफेक्ट मिलता है गाने को, ठीक है। तो अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे टंग स्लैप करते हैं। टंग स्लैप करने का कुछ नहीं है, हमारी जैसे भी मैंने टंगिंग बताई थी कि एक होल बजाने के लिए हम टंग को इस पर टिका देते हैं ऐसे, इसी तरह से हम होल को टिका के रखेंगे और हवा जो है एक ही साइड से, हम पूरा गाना जो बजाने का जो तरीका वो वही रहेगा हमारा, लेकिन हवा एक ही साइड से आएगी, ठीक है, उससे होगा कि टंग इस पे ऐसे टिकी रहेगी, ऐसे टिकी रहेगी,
जब हम टंग को इसके साथ स्लाइड करते हैं, तो जब हम कोई भी ड्रॉ या ब्लो करते हैं नोट को, उस टाइम पे अगर हम टंग को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जहां हमारी टिकी हुई है टंग, उसको छोड़ के फिर से वापस कर देते हैं, ये चीज अगर हम करते हैं, तो होगा क्या, जो उसके नीचे नोट आए हुए थे, तो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वो ड्रो वाले नोट बच जाएंगे। अगर हम ब्लो कर रहे थे उस टाइम पे, तो ब्लो वाले नोट बच जाएंगे, क्योंकि उसमें भी एयर पास हो जाएगी। तो देखिए, मैं गाने में इसका उपयोग बताता हूँ ठीक तरीके से कैसे होता है। मैं सिंपल गाना बजाता हूँ, है अपना दिल, जो बेसिक गाना एकदम, तो गानों पे मैं एग्जांपल ले दूँ, ये मैंने एक लाइन बजाई, ये सिंपल है, इसमें मैंने टंका यूज नहीं किया, इसमें मैं वाइब्रेशन का यूज नहीं किया। अभी देखिए, जब इसमें मैं टंका यूज करता हूँ, तो कैसी साउंड आएगी पीछे बैकग्राउंड में, पीछे एक आवाज आ रही, तो इसी को बोलते हैं टंग स्लैप या रिदम देना बोलते हैं इसको। वो तभी आ पाएगा, एक तो हमें पहले बहुत अच्छी तरीके से बजाना आना चाहिए माउथ ऑर्गन, फिर हमें रिदम का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि रिदम हमें कहाँ पे देना, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ करते रहेंगे तो ठीक भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे वो कोई किसी और में गाने में बजाता हूँ, नागिन धुनम बजाते हैं, सिंपल जब मैं बजाता हूँ, वो दोनों पे हो जाएगा, चाहे 12 होल का हो चाहे 16 को, सब पे एक ही तरह से अप्लाई होता है। ये मैंने सिंपल बजाया, अभी इसको अगर मैं टंग स्लैप से यूज करूं, तो अब ये भी मैंने सेम चीज की, ठीक है, इस पर हम डिटेल में कभी बाद में भी हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जो पर्पज है टंग का, मैं फिलहाल तीन बेसिक जो पर्पज है ब्रीफ में वही बताने वाला हूँ। तो इस तरह से हम इसको टंग स्लैप बोलते हैं या रिदम बोलते हैं, सब गानों में यूज नहीं हो सकता, किसी किसी गाने में, किसी किसी लाइन में यूज हो सकता, पूरे गाने में भी यूज नहीं हो सकता, ऐसा भी, ठीक है। अब इसका जो तीसरा यूज है टंगिंग का, जो हम तीसरा यूज, ये देखिए मैं इसमें भी बता देता हूँ, इसमें भी सेम, तो इसमें भी ऐसे ही बज जाएगा, किसी में 12 होल वाले में भी सेम ही बजेगा टंग का जो हम यूज करेंगे, तो दूसरे गानों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो तीसरा यूज है वो है हमारा डबल ऑक्टेव प्लेइंग। डबल ऑक्टेव का मतलब होता है, देखिए मैंने बच्चे की बता दिया, तो इस वाले में जो 24 होल वाले जो हारमोनी का है उसमें तो बजेगा ही नहीं डबल ऑक्टेव, क्योंकि इसमें दूर दूर हो जाएगा, इसका एक ऑक्टेव यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे तीन पार्ट अगर हम करेंगे तो इतनी दूरी पे है, तो सपोज मैं यहाँ बजाता हूँ तो मेरे मुंह इतना चौड़ा नहीं है कि वो यहाँ भी पहुंच जाए और यहाँ भी पहुंच जाए, ठीक है ना। इसके विपरीत होता क्या है, ये इस केस में क्या होता है, इसके जो ऑक्टेव है बहुत छोटे छोटे, दो उंगलियों में आ जाएंगे, इतना आ जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑक्टेव शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही होल में हम ड्रॉ एंड ब्लो दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल ऑक्टेव प्लेइंग का पार्ट आता है, और ये बहुत ज्यादा यूज में भी नहीं है, क्योंकि डबल ऑक्टेव प्लेइंग पहली बात तो पूरे गाने में हम कर ही नहीं सकते, दूसरी बात बहुत कुछ देखना पड़ता है कि ऑक्टेव कहाँ से गाना शुरू हो रहा है, कहाँ पे वो दोनों ऑक्टेव मैच कर सकते हैं। सपोज कोई गाना पा से इसमें शुरू है और आगे नी तक जा रहा है, तो उसको हम लोअर ऑक्टेव प्लस मिडिल ऑक्टेव में बजा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पा बजा लेंगे, लेकिन कोई गाना अगर इस रेंज से बाहर है तो यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर इस रेंज से बाहर है तो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो बहुत लिमिटेड यूज है, सब गानों में हम यूज नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे इसका यूज हम कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए दूंगा, तो उसको करते कैसे हैं ब्रीफ में बताऊंगा, उसको करते कैसे हैं। जैसे कि मैंने बताया, सिंगल होल बजाने के लिए हम टंग का यूज करते हैं और साइड से केवल हवा निकलती है। अभी क्या होगा, अभी टंग को तो बीच में रखना ऐसे जैसे पहले रखा था ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हवा केवल इधर से या इधर से निकले, बल्कि दोनों तरफ से हवा निकलनी है, या ड्रॉ करें या ब्लो करें, और सेंटर में हमारी टंग रहेगी इस पे ऐसे। इधर भी तो होगा क्या, अब ये सपोज हमारी टंग है, ये ऐसे मैंने टंग लगा दी इस पे, तो इसके जो ये वाला होल है और ये वाला होल है, यहाँ पे दोनों पे हम
काम कर सकते हैं, यानी कि हवा दोनों में जाएगी। तो हमें कितने होल एटलीस्ट ब्लॉक करने हैं? बीच के 3 होल इसके ब्लॉक करने होते हैं, क्योंकि इसके जो 5 होल में, 4 होल में, 5, 6, 7, 8, इसमें हमारा पूरा एक ऑक्टेव हो जाता है। अगर मैंने 3 होल ब्लॉक कर लिए तो एक ऑक्टेव का पहले एक ही होल तो बचा, आगे से दूसरा ऑक्टेव शुरू हो गया हमारा। तो देखिए, ट्रंक को बीच में रख के दोनों तरफ से हवा जब निकलेगी, ड्रॉ करें या ब्लॉक करें, तो वो डबल ऑक्टेव का पार्ट आता है। देखिए, ये सेम गाना अगर मैं लेता हूं, सपोज है अपना दिल तो आवारा, ले सकते हैं है अपना दिल तो आवारा। यहाँ पे मैंने सिंपल अगर बजाता हूं, अब ये यहां पे बज रहा, ठीक है। अब अगर इतने पार्ट को मैं यहां भी बजाऊं और अब ये इसका अगला ऑक्टेव है, तो यहां पे भी बजाऊं और यहां पे बजाऊं, तो दोनों को अगर मिक्स करके मैं बजाता हूं तो कैसे बजेगा? टंग मैंने बीच में रखी, आवाज देखिए कैसे चेंज हो जाती है डबल ऑक्टेव। इसी में अगर मैं बजाता हूं सेम नागिन धुन, अगर मैं बजा के देख रहा हूं इसमें, तो कैसे बजेगी? सिंपल अगर मैं बजा रहा हूं उसको, अब ये सिंगल ऑक्टेव है। अब मैं इसमें अगर इस ऑक्टेव को भी ले लूं तो देखिए आवाज कैसी आएगी। मैंने क्या किया, बीच में ट्रंग रखी, यहां का अलग बज रहा है, यहां का अलग बज रहा है, लेकिन दोनों एक साथ बज रहे हैं, यानी कि यहां पे अगर सा बज रहा है, यहां पे सॉरी पा बज रहा है तो यहां भी पा बज रहा है, यहां पे गा बजेगा तो यहां भी गा बजेगा, यहां रे बज रहा है तो यहां भी रे बजेगा। तो दोनों जब एक साथ बजते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट सा अलग दिखता है, उसको हम डबल ऑक्टेव प्लेइंग बोलते हैं। देखिए, एक और मैं गाने का उदाहरण दे देता हूं, इसमें गाना मेरे सपनों की रानी, वेरी सिंपल सॉन्ग है मेरे सपनों की रानी। अब उसको सिंगल ऑक्टेव जब बजाते हैं, यहां से बजता है, यहां से बजता है। अब अगर उसको मैं डबल बजाता हूं तो देखिए कैसा इफेक्ट आएगा। टंग को बीच में रख दिया, जहां नोट मुझे शुरू करनी है उसके जस्ट बराबर में मैं टंग से इन होल को ब्लॉक कर दूंगा, उसके बाद नेचुरली वही होल फिर से आ जाएगा जो हमें प्रीवियस ऑक्टेव का बजाना, यानी कि जो इससे पहले वाला जो ऑक्टेव है उसको जो बजाना है वो, और ये दोनों सेम मैच करेंगे। इसमें क्या, बीच में टंग स्लैप भी यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा वो अलग दिख रहा है। तो इस तरह कुछ इफेक्ट होता है। अभी जैसे एक नया गाना एक आया था, तुम ही आना, तेरे जाने का गम फिर ना आने का गम क्या करें, इस तरह से एक गाना था। तो ये शुरू होता है जो है दोनों ऑक्टेव में, हम उस गाने को बजा सकते हैं। यहां से बजेगा, ये यहां पे बज रहा है गारे सारे सानी, यहां से बजता है। अब इस गारे सारे सानी को मैं यहां भी बजाऊं, यहां भी बजाऊं, तो उसे बोलेंगे हम डबल ऑक्टेव प्लेइंग। अब मैंने सेम चीज यहां पे बजाई और यहां पे भी बजाई, लोअर और मिडिल दोनों मिक्स कर दिए, तो उसको हम डबल ऑक्टेव प्लेइंग बोलते हैं। इसमें बीच में हम टंग स्लैप भी यूज कर सकते हो, तो डबल इफेक्ट वो एक साथ आ जाता है।
लेकिन मैं जैसे कि बताया कि सारी लाइनों में, सारे गानों में, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहुत ही लिमिटेड यूज है। इसलिए आप ऐसा ना समझे जिसको टंगिंग नहीं आती है वो मौत ऑर्गन नहीं बजा सकता। तो ये बहुत ही एक भ्रम है जो स्पेशली जो बिगनर्स हैं कि हमें टंगिंग आती नहीं है तो हम कैसे बजाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको आता है पहले आप सीखिए, धीरे 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 आप बजाते रहिए, उसके बाद आपके पास बजाने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, तब उसके बाद आप टेक्निक्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और इस पे अगर विशेष आग्रह होगा तो मैं वीडियो फिर से भी बना सकता हूँ और ज्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ दूसरे गानों के, लेकिन इसी तरह से टंगिंग का इस्तेमाल होता है और इसका कोई यूज नहीं है। तो आज शायद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।